पीएम मोदी ने आरबीआई की खुदरा प्रत्यक्ष योजना और रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना का किया आगाज। का टीम आरबीआई देश की उम्मीद पर उतरेगी खरी। कार्यक्रम में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास भी हुए शामिल। दस जनपद पर सोनिया गांधी से भूपेश बघेल की मीटिंग। छत्तीसगढ़ के मसलों पर हुई बैठक में चर्चा। प्रियंका गांधी और अंबिका सोनी भी रही मौजूद। कथित फोन टैपिंग मामले में सीएम क्यूएसडी लोकेश शर्मा को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत। कहा अदालत के आदेश के बिना नहीं होगी कोई कार्रवाई। मामले में अब 13 जनवरी को सुनवाई। न्यूजीलैंड से टेस्ट के लिए टीम इंडिया का ऐलान। पहले मैच में अजिंक्य रहाणे होंगे कप्तान। दूसरे मैच में विराट कोहली होंगे कैप्टन। पुजारा, केएल राहुल, मयंक अग्रवाल, अश्विन, रविंद्र जडेजा, ईशांत शर्मा टीम में। सीएम की पहल पर पचपदरा बस दुखांतिका के मददगार सम्मानित। जिला कलेक्टर ने दिए 10 मदद वीरों को प्रशस्ति पत्र। साहसी वीरों ने जल्दी बस में कूदकर बचाई थी 22 लोगों की जान। जैसलमेर में सागाड़ा गांव के पास कार और ट्रक की भिड़ंत। दर्दनाक हादसे में कार सवार 3 सैलानियों की मौत, 3 घायल, सभी गुजरात के बड़ौदा शहर के। जोधपुर के बालेश्वर में दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष। इलाज के दौरान एक घायल की मौत, रंजिश बताई जा रही विवाद की वजह। जिंदगी पर भारी पड़ी निराशा। कोटा में प्रेमी युगल ने किया सुसाइड। डूंगरपुर के 84 में 7 महीने के मासूम के साथ मां ने कुएं में कूद कर दी जान। पाली में उम्मीद मिल्स के गोदामों में लगी भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद दमकलों ने पाया काबू। गनीमत रही, नहीं हुई कोई जनहानि। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के आतंकियों से मुठभेड़। कुलगाम एनकाउंटर में एक आतंकी ढेर। तो श्रीनगर के बेमिना इलाके में भी मारा गया आतंकी। AK-47 और गोला बारूद बरामद।